आज के टॉपिक्स पर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वर्ल्ड के माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड के डिजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मरुस्थल का क्षेत्र है मरुस्थल देखेंगे, और मरुस्थल के बाद जो है हम लोग जो है मरुस्थल के पहले जो है माउंटेन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। जिसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें जो है फोल्डेड माउंटेन होते हैं, न्यू फोल्डेड या यंग माउंटेन होते हैं, नवीन मोड़दार पर्वतों के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। उसके अलावा डिजर्ट में आएंगे तो कोल्ड डिजर्ट आपको दिखाई देगा, आपको वार्म डिजर्ट दिखाई देगा, मरुस्थल के क्षेत्र दिखाई देंगे। तो मरुस्थल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जो है औसत से कम वर्षा या न्यूनतम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र में जो है उसको डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। डिजर्ट वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ये जो है टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो हम लोग जो है पहले वर्ल्ड के जो है वर्ल्ड के जो माउंटेन है उसको डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड के माउंटेन को डिस्कस करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड के डिजर्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है वर्ल्ड माउंटेन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड माउंटेन, अगर आप वर्ल्ड माउंटेन पे आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड माउंटेन पे डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड माउंटेन में कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज बात करेंगे। और कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको जो ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यह जो है नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है, यह नॉर्थ अमेरिका का जो है यहाँ पे आपको जो है कॉन्टिनेंट या महाद्वीप दिखाई देता है। अगर नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में आएंगे और ये जो है आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है दिखाई देता है। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का पहले पर्वत हम लोग देखते हैं। अगर उत्तरी अमेरिका में आएंगे तो उत्तरी अमेरिका में आपको जो है नवीन पर्वत जो है क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, नवीन पर्वत या युवा पर्वत और मोड़दार पर्वत। कौन से पर्वत? मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं आपको दिखाई देते हैं। तो जो अमेरिका में अगर आप आएंगे तो आपको रॉकी रेंज दिखाई देगा, ये रॉकी माउंटेन, ये देखिए रॉकी रेंज। यहाँ पे आप अलास्का में देखेंगे तो आपको ब्रुक्स रेंज दिखाई दे रहा है। ये जो रॉकी रेंज है यह नवीन या न्यू माउंटेन या यंग माउंटेन और मोड़दार पर्वत या जो है फाउंडेड जो है जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि रॉकी पर्वत जो है कैसा पर्वत है, तो रॉकी पर्वत जो है एक जो है यंग माउंटेन है या युवा पर्वत है। रॉकी पर्वत एक प्रकार का कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। तो फोल्डेड माउंटेन अगर आपसे बोला जाए कि फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल जो है रॉकी पर्वत आपको दिखाई देगा, रॉकी माउंटेन दिखाई देगा। तो रॉकी माउंटेन जो है एक प्रकार का नवीन पर्वत या युवा पर्वत या मोड़दार पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है, जो आपको जो है कहाँ पे दिखाई देगा। तो यह आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे तो आपको यहीं पे ब्रुक्स रेंज दिखाई दे रहा है, यह भी जो है एक प्रकार का पर्वत श्रृंखला है। ब्रुक्स रेंज से आप रॉकी पर्वत से होते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको कोलोरेडो का पठार मिलेगा। कोलोरेडो का पठार जो है वह मैक्सिको और बेलीज के आसपास जो है क्या होता है, दिखाई देता है। तो कोलोरेडो पठार, फिर उसके बाद कोलोरेडो पठार से अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये आप जो है ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको जो है अपलेशियन माउंटेन दिखेगा। ये देखिए ये जो है अपलेशियन माउंटेन जो है आपको दिख रहा है। तो अपलेशियन माउंटेन भी जो है कहाँ पे है, तो यह रॉकी पर्वत, यह जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो यह जो है यहीं पे लॉरेंशियन प्लेट्यू है या लॉरेंशियल का पठार है। तो लॉरेंशियल जो पठार है वह भी आपको कहाँ पे दिखाई देता है, तो वह भी उत्तरी अमेरिका में टॉपिक जो है दिखाई देता है। तो पठार जो है लॉरेंशियल पठार दिखा आपको, आपको अपलेशियन माउंटेन दिखा, अपलेशियन माउंटेन से आपको कोलोरेडो प्लेटू दिखा,
और ये देखिए रॉकी माउंटेन दिखा, ये जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है यह जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में दिखाई दे रहा है। रॉकी माउंटेन से अगर आप जो है नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो आपको ब्रुक्स रेंज दिखाई देगा। ब्रुक्स रेंज के बाद जो है अगर आप बढ़ेंगे तो ये देखिए आपको ब्यूफोर्ट सी दिख रहा है, यह ब्यूफोर्ट सागर। तो ब्यूफोर्ट सागर भी जो है कहाँ पे है, तो ब्यूफोर्ट सागर जो है आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तरी हिस्से में आपको दिखाई देगा। ये देखिए आपको चुकची सागर दिखाई दे रहा है, चुकची सी, और ये बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर, गुल्फ ऑफ अलास्का या अलास्का की खाड़ी। तो ये जो है लोकेशंस हैं जो आपके लिए क्या है एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा हडसन बे, हडसन की खाड़ी, तो हडसन की खाड़ी भी जो है कहाँ पे है, हडसन की खाड़ी जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। फिर उसके बाद अगर आप हडसन की खाड़ी से अगर आप जो है नॉर्थ में बढ़ेंगे तो आपको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, अगर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहा जाए कहाँ पे है, तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड आपको जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको दिखाई देगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आप क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से आगे बढ़ेंगे, ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो आपको बेफिन बे या जो है बेफिन की खाड़ी आपको दिखाई देगी। तो बेफिन बे जो है यहाँ पे दिखाई देता है। ये रीजन देखिए, यह रीजन जो है इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड का, ग्रीनलैंड पर जो है तो ग्रीनलैंड या नॉर्थ अमेरिका का एक प्रकार का आइलैंड, लेकिन इस पर अधिकार जो है किसका है, तो इस पर अधिकार जो है डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का है, लेकिन ग्रीनलैंड जो है आइलैंड कौन से महाद्वीप का है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का है, लेकिन उस पर जो अधिकार है वो किसका है, डेनमार्क का है। फिर उसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो जो है हडसन बे, बेफिन बे से अगर आप बढ़ेंगे तो आपको यहीं पे मिलेगा लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर मिलेगा। तो लेब्राडोर सागर जो है आपको ग्रीनलैंड के जो है साउदर्न पार्ट में आपको दिखाई देगा, साउदर्न पार्ट या आप कह सकते हैं लॉरेंशियल प्लेटू और ग्रीनलैंड के बीच में आपको जो है लेब्राडोर जो है सागर आपको दिखाई देगा। लेब्राडोर सागर से होते हुए, लॉरेंस प्लेटू से होते हुए अप्लेशियन प्लेटू, वहीं पे आपको ग्रेट लेक्स मिलेगा, ग्रेट लेक्स आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ग्रेट लेक्स से होते हुए, अप्लेशियन प्लेटू से होते हुए अगर आप कोलोराडो प्लेटू की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे गुल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी जो है मिलेगा, और मैक्सिको खाड़ी से अगर आप बढ़ेंगे ईस्ट की ओर तो आपको मिलेगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड है ये आपको दिखाई देंगे। वेस्ट इंडीज के आइलैंड के अगर आप जो है साउथ में जाएंगे तो इसको जो है यहीं पे मिलता है कैरेबियन सी, तो कैरेबियन सागर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैरेबियन सागर से अगर आप जो है होते हुए वेस्ट इंडीज से होते हुए अगर आप साउथ नॉर्थ में जाएंगे तो आपको सार्गेसो सागर मिलेगा। तो सार्गेसो सागर या सार्गेसो सी जो है आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास दिखाई देगा। और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास सार्गेसो सी है वह कौन से महासागर में है, तो वह अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक महासागर में, या ऐसे बोल सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यह जो है हिस्सा आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये जो है हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का जो है टॉपिक्स किया और नॉर्थ अमेरिका में इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में हम लोगों ने देखा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने जो है ब्रुक्स रेंज के बारे में बात किया, यहाँ पे हम लोगों ने रॉकी माउंटेन के बारे में, यहाँ पे हम लोगों ने कोलोराडो प्लेटू के बारे में बात किया, यहीं पे हम लोगों ने जो है अप्लेशियन माउंटेन्स के बारे में, लॉरेंशियन प्लेटू के बारे में, ये सारे लोकेशंस के बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया, और यह जो है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, सबसे उच्च चोटी कौन है, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे उच्च चोटी, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उच्च चोटी, उसको बोलते हैं माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले जो है वह जो है क्या है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत या रॉकी रेंज का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है, तो माउंट मैकिनले जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर उसके बाद अगर आप जो है नॉर्थ अमेरिका से साउथ की ओर बढ़ेंगे और गुल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए कैरेबियन सी से होते हुए जब आप साउथ अमेरिका में आएंगे तो साउथ अमेरिका में ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ये जो फैला हुआ क्षेत्र है यह भी एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, या जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं न्यू माउंटेन या यंग माउंटेन या नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है।
तो अगर आपसे कहा जाए कि रॉकी माउंटेन कैसा है, तो रॉकी माउंटेन नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत कैसा है, तो एंडीज पर्वत भी नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। तो यह जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन और साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत भी जो है क्या है, मोड़दार पर्वतों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे आएंगे तो इसके साउदर्न पार्ट पे यहाँ पे अमेजन बेसिन दिखाई देगा। अमेजियन बेसिन से आप आगे बढ़ेंगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स आपको दिखाई देगा। और फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो साउथ अमेरिका में पैम्पास, पैम्पास एक प्रकार का घास का मैदान है, तो यह पैम्पास घास का मैदान भी जो है आपको क्या होगा, कहाँ पे दिखाई देगा, तो पैम्पास घास का मैदान आपको जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप जो है प्रेयरी के बारे आएंगे तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रेयरी घास का मैदान जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान, तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे दिख रहा है, यह नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पैम्पास, तो पैम्पास जो है कहाँ पे पाया जा रहा है, तो पैम्पास जो घास का मैदान है, तो पैम्पास आपको जो है साउथ अमेरिका में दिखाई देता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जो साउथ अमेरिका का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं केप हॉर्न, तो केप हॉर्न वहाँ पे दिखाई देगा। केप हॉर्न से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मेघालिया दिखाई देगा। स्ट्रेट ऑफ मेघालिया जो है एक प्रकार का कहाँ पे है, यह साउथ अटलांटिक ओशियन में है। फिर साउथ अटलांटिक ओशियन से होते हुए ब्राजीलियन हाईलैंड से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये गुयाना बेसिन दिखाई देगा। तो जो गुयाना बेसिन है वहीं पे एक गुयाना कंट्री है, तो गुयाना बेसिन जो है उसी के नाम पे वह गुयाना बेसिन दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर गुयाना बेसिन से अगर आप जो है इसके वेस्ट पार्ट में बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो है चिली बेसिन दिखाई देगा। चिली बेसिन इसलिए कि यहीं पे चिली कंट्री है, तो उसी के नाम पे उसका नाम चिली बेसिन रख दिया गया है, तो चिली बेसिन भी आपको क्या होगा यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है देखा नॉर्थ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। थोड़ा सा यहीं पे हम ये भी समझ लेते हैं कि ये कैसे आखिर जो है यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का विकास हुआ है। रॉकी रेंज भी फोल्डेड माउंटेन है और जो है एंडीज पर्वत भी फोल्डेड माउंटेन है, तो ये आखिर पर्वत बने कैसे हैं। अगर आप आएंगे तो यह पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और यह जो है साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो ये बताइए ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यह जो है ओशियन प्लेट है या महाप्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो जब प्रशांत महासागरीय प्लेट और जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का टक्कर होगा, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट का जब टक्कर होगा तो टक्कर होने के दरमियान जो है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर जो है रॉकी पर्वत जैसे मुर्दार यंग माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन का क्या होगा, विकास होगा। तो यह जो है ओशियानिक प्लेट के टक्कर और कॉन्टिनेंट प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप जो है रॉकी पर्वत का जो है फोल्डेड माउंटेन का क्या हुआ है, विकास हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे अमेरिकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो एंडीज पर्वत का विकास हुआ है, एंडीज पर्वत भी एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है या मोड़दार पर्वत है। तो यह जो मोड़दार पर्वत है, यह मोड़दार पर्वत का जो विकास हुआ है वह प्रशांत महासागरीय प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के जो है टक्कर से जो है यह प्लेट, यह जो है माउंटेन का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यह माउंटेन जो है आपको साउथ अमेरिका में एक मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन या न्यू माउंटेन या यंग माउंटेन के रूप में क्या होगा, आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आप जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आएंगे तो ये देखिए, ये आपको अफ्रीका का रीजन दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे एटलस दिखाई देगा। एटलस एक प्रकार का क्या है, माउंटेन है। एटलस से अगर आप बढ़ेंगे तो आपको यहीं पे सहारा डिजर्ट दिखेगा। सहारा डिजर्ट एक प्रकार का गर्म या वार्म डिजर्ट है। तो वार्म डिजर्ट जो है का एग्जांपल कौन सा है, सहारा डिजर्ट है। फिर सहारा डिजर्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे जो है आपको कांगो बेसिन दिखाई देगा। तो कांगो बेसिन जो है कहाँ पे है, तो कांगो बेसिन भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है।
फिर उसके बाद कांगो बेसिन से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्रेट रिफ्ट वैली या महान घाटी आपको क्या दिखाएगा, महान रिफ्ट घाटी दिखाई देगा या ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली का भी जो विकास कहाँ पे हुआ है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली का विकास जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या अफ्रीकी महाद्वीप में आपको दिखाई देता। फिर उसके बाद अगर ग्रेट रिफ्ट वैली से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ड्रैकेंसबर्ग पर्वत मिलेगा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत मिलेगा और ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत भी जो है अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत विकसित हुआ है। फिर उसके बाद ये रीजन आपको कालाहारी डिजर्ट यहीं पे दिखाई देगा, तो कालाहारी डिजर्ट ये देखिए कालाहारी डिजर्ट का जो विकास कहाँ पे हुआ है, तो कालाहारी डिजर्ट का विकास भी जो है यह अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत हुआ है। फिर अफ्रीकी महाद्वीप अगर ये आएंगे, ये देखिए छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है अलग से, यह जो है मेडागास्कर आइलैंड है, तो मेडागास्कर आइलैंड जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो अगर आप इसके यहाँ पे आएंगे तो यह गुल्फ ऑफ गोयानका, तो गुल्फ ऑफ गोयानका से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है साउदर्न में केप ऑफ गुड होप होगा। केप ऑफ गुड होप जो है यह जो है अफ्रीका का जो है दक्षिणी छोर है या अफ्रीका का दक्षिणी किनारा जो है आपको केप ऑफ गुड होप के रूप में क्या होता है दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखा, साउथ अमेरिका के बारे में देखा और अफ्रीका के बारे में देखा। अब आइए हम लोग जो है यूरोप के हिस्से में आते हैं, यूरोप देखते हैं। तो अगर यूरोप में आएंगे तो ये देखिए आपको नॉर्वेजियन सी दिखाई देगा, नॉर्वेजियन सी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बैरेंस सी दिखाई देगा, बैरेंस सी से आपको कारा सी दिखाई देगा, कारा सी से आप आगे बढ़ेंगे तो लैप्टिव सी दिखाई देगा, लैप्टिव सी से जो है ईस्ट साइबेरियन सी और ईस्ट साइबेरियन सी से जो है चुकची सी, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे बात किया था। तो चुकची सी और बेरिंग सी भी जो है यहाँ पे देखा था, ये देखिए और एक बेरिंग जलसंधि है यहीं पे, यह बेरिंग जलसंधि जो है अलास्का को जो है रसिया से क्या करता है अलग करता है। तो इस प्रकार ये सागर दिखाई देंगे, नॉर्वेजियन सागर, बैरेंस सागर, कारा सागर, लैप्टिव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, चुकची सागर और बेरिंग सागर। ये बेरिंग सागर आपको जो है यह यूरोप कॉन्टिनेंट के आसपास और वहाँ पे बेरिंग सी और चुकची सागर आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास क्या होगा आपको दिखाई देगा। तो ये सागर है आपसे जो है कभी लोकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। अगर जो है नॉर्वेजियन सी से अगर आप आएंगे तो ये देखिए नाथ सी के बाद ये बाल्टिक सी से अगर आप इस साइड में आएंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल्टिक सी दिखाई देगा, बे आप बिस्के या बिस्के की खाड़ी दिखाई देगी, आइबेरियन पेनिनसुला दिखाई देगा, स्पेनिश प्लेट्यू, तो स्पेनिश प्लेट्यू भी जो है स्पेन में क्या होगा आपको दिखाई देगा जो यूरोप का हिस्सा है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे आपको ये देखिए नॉर्थ यूरोपियन प्लेन और यहाँ पे यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन जो है क्या करता है, यूराल जो माउंटेन है वह ईस्टर्न यूरोप को रशिया से क्या करता है अलग करता है, तो यूराल माउंटेन है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो यूराल माउंटेन से आगे बढ़ेंगे तो आपको वेस्ट साइबेरियन प्लेन मिलेगा, वेस्ट साइबेरियन प्लेन से आगे बढ़ेंगे तो साइबेरियन प्लेटो मिलेगा, साइबेरियन प्लेटो से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोलयामा रेंज मिलेगा। यह जो माउंटेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो रेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह रेंजेज आपको जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूरोप और रशिया के अंतर्गत आपको क्या हो रहा है यह हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो इस माउंटेन को और सागरों को आप क्या करते चलिएगा, देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा। फिर अगर आप आएंगे तो कोलयामा रेंज से अगर आप आगे बढ़ेंगे या साउथ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सी ऑफ ऑक्टोसक, या ऑक्टोसक का सागर जो है आपको क्या होगा दिखाई देगा। फिर सी ऑफ ऑक्टोसक से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सी ऑफ जापान या जापान का सागर, फिर जापान के सागर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिलीपींस सी मिलेगा, फिलीपींस सागर से अगर आप बढ़ेंगे तो यह जो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन आपको दिखाई देगा। तो यह जो है हम लोग सागर्स के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि
कि सागर्स भी जो है इसी समय माउंटेन के साथ जो है सागर को भी क्या कर लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर आप जो है फिलीपींस से आप बढ़ेंगे तो ये देखिए इंडो चाइना पेनिनसुलर आपको दिखेगा। इंडो चाइना पेनिनसुलर से अगर आप बढ़ेंगे तो यह बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल आप जो है इंडिया के रीजन में आ गए और इंडिया में डेक्कन प्लेटू। अभी इंडिया को हम लोग जो है अलग से क्या करेंगे, बात करेंगे, तो इंडिया उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। फिर अगर आप इंडिया में आएंगे तो ये हिमालयन रेंज, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो प्लेटू ऑफ तिब्बत, टीनसेन आपको चाइना में, गोबी डिजर्ट आपको जो है मंगोलिया में दिखाई देगा। तो गोबी डिजर्ट का जो हिस्सा है वह चाइना और मंगोलिया दोनों में विकसित है। यह एक प्रकार का ठंडी, एक प्रकार का ठंडा डिजर्ट या कोल्ड डिजर्ट जो है आपको क्या होता है दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो आपको यहीं पे अरल सागर दिखाई देगा, कैस्पियन सागर दिखाई देगा, ब्लैक सागर। तो अगर आप जाएंगे तो अगर क्रम कैसे है, अगर आप जो है ईस्ट से बढ़ेंगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक सागर मिलेगा या ब्लैक सी मिलेगा। ब्लैक सी से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कैस्पियन सी मिलेगा, कैस्पियन सी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अरल सी मिलेगा। ये जो है सी का, ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर का एक प्रकार का क्रम है और इसी क्रम में आपको ये सागर क्या होते हैं दिखाई देते हैं। कभी कभी आपसे यह पूछ देता है कि जो है पश्चिम से पूरब जो है क्रम में बताइए कि सबसे पहले पश्चिम में कौन सा सागर है, तो ब्लैक सागर, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर और फिर उसके बाद जो है अरल सागर। फिर अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ब्लैक सागर से अगर आप बढ़ेंगे तो साउथ में आपको एनाटोलिया, एनाटोलिया प्लेटू दिखेगा और एनाटोलिया प्लेटू से अगर आप आ जाएंगे तो आप जो है अरेबियन पेनिनसुलर रीजन में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो अरेबियन पेनिनसुलर रीजन जो है यह साउथ, यह जो है एशिया का एक क्या है हिस्सा है, तो अरेबियन पेनिनसुलर यह जो है आपको सऊदी अरेबिया में क्या होता है दिखाई देता है। तो यह जो है हम लोगों ने माउंटेन के बारे में देखा, इम्पोर्टेंट सी के बारे में देख लिया और जो है डिजर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा। अगर आप आएंगे तो यह जो है आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरेबियन सी से अगर आप इंडियन ओशियन में आएंगे तो यह जो है मिड इंडिया बेसिन, यहाँ पे आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन और यहाँ पे ग्रेटर सुंड्रा आइलैंड। तो अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेटर सुंड्रा आइलैंड कहाँ पे है, तो ग्रेटर सुंड्रा आइलैंड जो है आपको जो है ये इंडोनेशियन आइलैंड के आसपास क्या होगा आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे कोरल सी आपको दिखाई दे रहा है, कोरल सी से जो है ये मलेशियन, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेट बार्ट रेंज, उसके बाद यहाँ आएंगे तो ग्रेट डिवाइड रेंज। तो ग्रेट डिवाइडर रेंज या डिवाइड रेंज कहाँ पे है, तो ग्रेट डिवाइड रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जो है आपको ग्रेट डिवाइड रेंज दिखाई देता है। ग्रेट डिवाइड रेंज से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नुलाबोर प्लेन दिखेगा, तो नुलाबोर प्लेन भी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो नुलाबोर प्लेन आपको ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया कंट्री या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दिखाई देता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद यहीं पे सैंडी डिजर्ट है, तो सैंडी डिजर्ट कहाँ पे है, तो सैंडी डिजर्ट जो है एक प्रकार का कोल्ड डिजर्ट है और यह कहाँ पे है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में यह आपको दिखाई देता है। तो यह जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट माउंटेन के बारे में देखा और यह भी देखा कि फोल्डेड माउंटेन कौन से हैं, कौन से जो है यंग माउंटेन है, कौन से न्यू माउंटेन है। तो यंग न्यू फोल्डेड माउंटेन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो है थोड़ा सा डिजर्ट का टॉपिक देखेंगे और डिजर्ट के बाद हम लोग जो है स्पेशली इंडिया पे आएंगे और इंडिया के बारे में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। यह जो है वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट कुछ डिजर्ट हैं, तो डिजर्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अगर आप डिजर्ट पे आएंगे तो डिजर्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से डिजर्ट आपको दिखाई देते हैं। अगर आप आएंगे तो एक डिजर्ट आपको ग्रेट बेसिन, यह ग्रेट बेसिन का जो डिजर्ट है यह आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो यह नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री में
आपको ग्रेट बेसिन लेक क्या होगा दिखाई देगा। ग्रेट बेसिन से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मोजावे, मोजावे जो है, मोजावे एक प्रकार का जो है क्या है, डिजर्ट है। तो मोजावे डिजर्ट आपको उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो है मैक्सिको के बाउंड्री लाइन पे आपको दिखाई देता है। तो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाउंड्री लाइन पे आपको मोजावे एक प्रकार का डिजर्ट दिखाई देगा। फिर उसके बाद चिहुहुआन, तो चिहुहुआन भी एक प्रकार का जो है क्या है, डिजर्ट है। यह डिजर्ट भी जो है आपको मैक्सिको के रीजन में क्या होता है, दिखाई देता है। बेसिकली कहने का मतलब मोलावे का जो साउदर्न पार्ट है उसी को चिहुहुआन जो है बोला जाता है। फिर उसके बाद सोनोरन, जो सोनोरन डिजर्ट है, तो सोनोरन डिजर्ट भी जो है आपको यहीं पे दिखाई देगा। यह जो है मैक्सिको या जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो साउथ अमेरिका में आपको सिचूरा आपको दिखाई देगा, सिचूरा डिजर्ट और अटाकामा डिजर्ट। तो अटाकामा मरुस्थल या अटाकामा डिजर्ट या जो है सिचूरा डिजर्ट या पैटागोनिया डिजर्ट, तो पैटागोनिया, सिचूरा और अटाकामा, अटाकामा, सिचूरा और पैटागोनिया, ये पैटागोनिया तीनों के तीनों जो है डिजर्ट कहाँ पे हैं, तो ये तीनों डिजर्ट जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दिखाई देते हैं या जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो कौन सा, सिचूरा, अटाकामा मरुस्थल और जो है पैटागोनियन मरुस्थल। तो पैटागोनियन, अटाकामा और सिचूरा आपको जो है साउथ अमेरिका के रीजन में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे अफ्रीकन में, तो अफ्रीका में देखिए ये पूरा रीजन, ये देखिए ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये आपको सहारा डिजर्ट दिखाई देगा, सहारा मरुस्थल जो है दिखाई देता है। तो सहारा मरुस्थल आपको कहाँ दिख रहा है, तो सहारा मरुस्थल अगर आप आएंगे तो सहारा मरुस्थल आपको जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में या अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो ये पूरा रीजन देख रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान वीरान का रीजन है और यहीं पे ये जो है आपको अरेबियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अरेबियन डिजर्ट जो है, यह अरेबियन डिजर्ट आपको एशिया में दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो किजिल खुम, तो किजिल खुम भी जो है एक प्रकार का क्या है, डिजर्ट है। यह डिजर्ट आपको जो है, यह डिजर्ट आपको यूरोप और एशिया के बाउंड्री लाइन पे क्या होगा, दिखाई देगा। तो सेंट्रल एशिया में अगर आप आएंगे, सेंट्रल एशिया के अंतर्गत जैसे कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्री में आएंगे, तो आप इधर आगे बढ़ेंगे यूरोप की तरफ, तो यूरोप के और सेंट्रल एशिया के बाउंड्री लाइन पे आपको यह जो है किजिल खुम जो है दिखाई देगा। फिर उसके बाद ईरानियन, ईरानियन जो डिजर्ट है, ईरानियन डिजर्ट का विस्तार भी ईरान के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों में भी है, तो इसको ईरानियन डिजर्ट बोलते हैं। अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया में आपको थार मरुस्थल जो है दिखाई देगा। तो थार डिजर्ट जो है एक प्रकार का गर्म डिजर्ट है, यह कहाँ पे दिखाई देगा, तो थार डिजर्ट आपको इंडिया के राजस्थान के क्षेत्र में जो है आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आएंगे तकला मकान, बहुत पूछा जाता है कि तकला मकान डिजर्ट कहाँ पे है, तो तकला मकान डिजर्ट जो है चाइना में है। तकला मकान एक प्रकार का क्या है, डिजर्ट है, मरुस्थल है, और मरुस्थल जो है वो कहाँ पे है, तो चाइना में वो आपको मरुस्थल दिखाई देता है। फिर उसके बाद तकला मकान से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो गोबी का डिजर्ट, तो मैंने अभी बताया था गोबी का जो डिजर्ट है एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है और कोल्ड डिजर्ट है। और उसके अलावा यह गोबी का डिजर्ट जो है इसका विस्तार मंगोलिया के साथ साथ चाइना में भी है, तो मंगोलिया और चाइना दोनों का नाम आपको याद में रखना है, इसका विस्तार मंगोलिया और चाइना दोनों में दिखाई देता है। फिर उसके बाद गोभी से तकला मकान से होते हुए फिर इंडिया में आएंगे, तो इंडिया में ये थार मरुस्थल देखा और यहीं पे एक और मरुस्थल है लद्दाख, लद्दाख डिजर्ट भी जो है एक प्रकार का क्या है, मरुस्थल है, लेकिन वह मरुस्थल कैसा है, ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट है। लेकिन थार डिजर्ट कैसा है, तो थार डिजर्ट एक प्रकार का गर्म डिजर्ट है, गर्म जो है मरुस्थल है। फिर उसके बाद थार लद्दाख से होते हुए अगर आप जो है अफ्रीका में आएंगे तो ये सोमाली, सोमालियन एक कंट्री है, सोमालिया एक कंट्री है, वहाँ पे सोमालिया जो है सोमाली द्वीप एक प्रकार का, सोमाली जो है डिजर्ट एक प्रकार का दिखाई देता है। तो सोमाली डिजर्ट जो है सोमालियन कंट्री में दिखाई देगा। कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो वह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमाली दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे नामीब,
तो नामीब जो है वहीं पे एक नामीबिया है, तो नामीब डिजर्ट और कालाहारी डिजर्ट, तो कालाहारी और नामीब जो है डिजर्ट कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपको यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या अफ्रीकी महाद्वीप में दिखाई देगा। तो हम लोगों ने सोमाली, नामीब और कालाहारी डिजर्ट के बारे में बात किया। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में, अगर ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आइए देखते हैं कौन कौन से डिजर्ट आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आप आएंगे ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है सबसे जो है जो उसका हिस्सा है सबसे साउदर्न पार्ट है, सबसे साउदर्न हिस्सा जो है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। फिर उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गिब्सन डिजर्ट दिखेगा, गिब्सन मरुस्थल से आप आगे बढ़ेंगे तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल दिखेगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तनामी मरुस्थल दिखेगा, और तनामी मरुस्थल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिम्पसन डिजर्ट दिखेगा, सिम्पसन मरुस्थल क्या होगा आपको दिखेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यह जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो येलो कलर के जो डिजर्ट हैं वो कैसे हैं, हॉट हैं, वार्म हैं, और जो आपको जो है हल्का ब्लू दिख रहा है वो ब्लू कलर के डिजर्ट कैसे हैं, तो वह कोल्ड डिजर्ट है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ग्रेट बेसिन कैसा डिजर्ट है, तो ग्रेट बेसिन एक प्रकार का कोल्ड डिजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। फिर उसके बाद मालावे, चिहुबुआन, सोनारियन, ये जो है सोनोरन, मालावे और चिहुबुआन यह किस प्रकार का जो है डिजर्ट है या किस प्रकार की मरुस्थल है, तो यह एक प्रकार का जो है गर्म मरुस्थल है, वार्म मरुस्थल है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे सिचुआरा, सिचुरा, अटाकामा और पैटागोनियन, तो ये तीनों मरुस्थल कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल हैं, कोल्ड मरुस्थल हैं। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो सहारा, सोमालिया, नामीबिया, कालाहारी, ये सारे डिजर्ट जो अफ्रीका में हम लोगों ने बात किया, ये सभी डिजर्ट कैसे हैं, तो वार्म डिजर्ट हैं या जो है यह कैसे हैं, यह गर्म जो है मरुस्थल दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इरानियन, जो इरानियन डिजर्ट है एक प्रकार का कैसा है, ठंडा डिजर्ट है, एक प्रकार का कोल्ड मरुस्थल है। किजिल कुम भी एक प्रकार का कोल्ड मरुस्थल है, गोबी डिजर्ट और तकला मकान भी एक प्रकार का क्या है, कोल्ड डिजर्ट है या ठंडा जो है मरुस्थल है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, ये सभी जो डिजर्ट हैं या मरुस्थल हैं, ये सभी मरुस्थल कैसे हैं, तो ये सभी मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है और गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो ठंडे मरुस्थल में अगर कोल्ड मरुस्थल पर अगर आएंगे आप कोल्ड डिजर्ट। अगर आप आएंगे कोल्ड डिजर्ट पे या जो है ठंडे मरुस्थल, तो ठंडा मरुस्थल का नाम नोट करते चलिएगा। ठंडा मरुस्थल पे अगर आप आएंगे, ठंडे मरुस्थल पे अगर आएंगे तो ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन एक प्रकार का कैसा मरुस्थल है, तो ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको सिचुरा, सिचुरा, अटाकामा, पैटागोनिया, पैटागोनिया, ये सभी पठार कैसे हैं, कोल्ड है, और कहाँ पे हैं, ये साउथ अमेरिका में आपको दिखाई देंगे। तो सिचुरा, अटाकामा और पैटागोनिया जो डिजर्ट हैं एक प्रकार के कैसे डिजर्ट हैं, ठंडे डिजर्ट हैं, या आपको साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ईरानियन, ईरानियन डिजर्ट, उसके बाद किजिल कुम,
किजिल कुम डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, तकला मकान, तकला मकान डिजर्ट। तो अगर आप आएंगे तो ईरानियन आपको ईरान में दिखेगा, किजिल कुम जो है एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे दिखेगा, और फिर उसके बाद अगर आप आएंगे गोबी डिजर्ट, तो जो गोबी डिजर्ट है वह आपको कहाँ दिखेगा, वह आपको मंगोलिया और चाइना के बाउंड्री लाइन पे दिखेगा। तकला मकान यह आपको चाइना में दिखाई देगा। तो ये सभी डिजर्ट कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल हैं, एक प्रकार का कोल्ड डिजर्ट हैं, ठंडे मरुस्थल हैं। अगर गर्म डिजर्ट पे आएंगे तो अगर गर्म डिजर्ट पे अगर आप देखेंगे, या जो है वार्म डिजर्ट या जो है गर्म मरुस्थल पे आएंगे, तो गर्म मरुस्थल में आपको मोलावे एक प्रकार का कैसा डिजर्ट है, तो एक प्रकार का गर्म डिजर्ट है। फिर मोलावे से अगर आप बढ़ेंगे तो चिहुआन जो है एक प्रकार का कैसा डिजर्ट है, एक प्रकार का डिजर्ट कैसा है, गर्म डिजर्ट है। उसके बाद जो है सोनोरन, अगर सोनोरन पे भी आएंगे तो सोनोरन भी एक प्रकार का जो है गर्म डिजर्ट है। तो यह गर्म डिजर्ट जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोनोरन, मोजावे और चिहुआन, तो यह जो है आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो सहारा, सोमाली, नामीब और उसके बाद कालाहारी, ये चार डिजर्ट हैं, ये गर्म डिजर्ट हैं। ये क्या हैं, यह गर्म डिजर्ट हैं, वार्म डिजर्ट हैं, यह आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिखाई देंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो है चार इंपॉर्टेंट डिजर्ट हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और तनामी। ये चार डिजर्ट जो कैसे हैं, वार्म डिजर्ट हैं। तो हम लोगों ने कोल्ड डिजर्ट और वार्म डिजर्ट के बारे में क्या किया, बात किया। अब आइए जो है इंडिया के थोड़ा सा माउंटेन के बारे में हम लोग देखते हैं, और इंडिया के जो है डिजर्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। पीक के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इंडिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आपने जो है, मैंने अभी जो है माउंटेन के बारे में डिस्कस किया, वर्ल्ड के माउंटेन के बारे में, अब हम लोग इंडिया के बारे में क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे क्या करता है, क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे देखेंगे तो हमने बताया कि यह जो बाउंड्री लाइन है, अगर आपको ये दिख रहा है तो यह जो है आपको इंडिया का जो है मैप क्या है। और इंडिया के मैप के अंतर्गत हम लोग जो है ये देखिए, नेपाल, सिक्किम से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के बॉर्डर होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये हम लोग देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के तट पर, ये देखिए हम लोगों ने जो है इंडिया के बारे में, ये जो है इंडिया है। और इंडिया में हम लोग जो है क्या करेंगे, इंडिया में हम लोग जो है माउंटेन के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे।
अगर जो है आप आएंगे तो यहाँ से लेके ये जो रीजन है ये ऐसे आपको जो है कौन सा माउंटेन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको हिमालयन रेंज दिखाई देगा। हिमालयन रेंज जो है अगर आप आएंगे तो जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज एक प्रकार का कैसा माउंटेन है, तो एक प्रकार का न्यू माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? न्यू, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन, न्यू यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। तो अगर आपसे कहा जाए, अगर आपको याद होगा तो मैंने वर्ल्ड लेवल पे बात किया कि अगर आप देखेंगे वहाँ पे कि हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में रॉकी रेंज को देखा, रॉकी रेंज एक प्रकार का कैसा माउंटेन था, तो फोल्डेड माउंटेन था। उसी तरीके से हम लोगों ने एंडीज पर्वत को देखा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में था, वो भी एक प्रकार का कैसा था, फोल्डेड माउंटेन था। तो भारत में जो हिमालय रेंज का विकास हुआ है, हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, तो हिमालय पर्वत भी एक प्रकार का कैसा माउंटेन है, तो न्यू यंग माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। तो यह फोल्डेड माउंटेन जो है कैसा है पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत का विकास जो है कैसे हुआ है, यह यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टक्कर से जो है मोड़दार पर्वतों का हिमालय के रूप में क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर आप यहाँ हिमालयन रीजन में आएंगे तो हिमालयन रीजन में सबसे आपको नॉर्थ में आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ट्रांस हिमालय मिलेगा। ट्रांस के बाद अगर आप आगे आएंगे तो आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा या महान हिमालय मिलेगा। ग्रेटर के बाद आपको जो है मिडिल हिमालय मिलेगा। मिडिल के बाद आपको जो है कौन सा हिमालय मिलेगा, तो शिवालिक रेंज मिलेगा या शिवालिक हिमालय मिलेगा। और शिवालिक हिमालय से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये गंगा नदी का क्षेत्र है, ये गंगा नदी बहती हुई जा रही है। और ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में आप देखेंगे ये जो है साइड साइड से नदियाँ मिल रही है। गंगा नदी में ये नदी यमुना आके मिलती है, फिर उसके बाद यहाँ से करनाल नदी मिल रही है, गोमती नदी मिल रही है, कोसी नदी आके मिल रही है। ये जो है नदियाँ जो है जाके कहाँ से मिलती हैं, इन जो है गंगा से मिल रही हैं। और ये गंगा नदी की जो कौन सी नदी है, सहायक नदी है, हेल्प नदी है। और ये जो इस क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहाँ की जो मिट्टी की फर्टिलिटी है बहुत अधिक है। यहाँ पे जो मिट्टी क्या है, सॉइल कैसे है, फर्टिलिटी युक्त है, उर्वरा युक्त है। और उर्वरक होने के कारण जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत तेज़ी से होता है, या कहने का मतलब प्रोडक्शन जो है बहुत मैक्सिमम लेवल पे होता है। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि यह गंगा और गंगा के सहायक नदियों के क्षेत्र हैं, और गंगा और गंगा के सहायक नदियों के द्वारा जो अपरदन के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं, जो छोटे छोटे कण लाए जाते हैं, वह यहीं पे लाके डिपॉजिट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है कैसी होती है, फर्टिलिटी युक्त होती है। यहाँ की मिट्टी में जो है सॉइल अधिक होता है, सॉइल में जो है फर्टिलिटी अधिक होने के कारण प्रोडक्शन का लेवल क्या होता है, अधिक होता है। यहीं पे अगर आप आएंगे तो इसी रीजन में अगर 1966 से 69 के बीच ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया गया या हरित क्रांति प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति में अगर आप आएंगे तो हरित क्रांति में जो है, हरित क्रांति के अंतर्गत जो है भारत ने यह उद्देश्य तय किया कि हमको एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में बनना है, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में आत्मनिर्भर के लिए भारत सरकार के द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया गया या हरित क्रांति प्रारंभ किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन है। और उसके अलावा वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, फाउंडर कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है उनका नाम बोला जाता है। तो इस प्रकार अगर आप इस रीजन में आएंगे, मैदानी क्षेत्र में आएंगे, तो मैदानी क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पे जो है खेती अधिक होगा, यहाँ पे खेती का प्रोडक्शन अधिक होगा। और उसके अलावा यहीं पे पॉपुलेशन का क्षेत्र भी अधिक होगा, क्योंकि जब खेती अधिक होगा, किसानी अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा, तो यहीं आसपास लोग रहना भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह क्या होगा, अधिक होगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको जो है आपको दिखाई देगा पेनिनसुलर रीजन।
पेनिनसुलर रीजन दिखाई देगा, और पेनिनसुलर रीजन का मतलब दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपको थार डिजर्ट दिख रहा है, थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल एक प्रकार का मैंने बताया था कि भारत में जो है राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। तो राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में जो थार मरुस्थल फैला हुआ है, ज़्यादा विस्तार तो इसका राजस्थान में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है आपको मरुस्थल के रूप में, फैलाव के रूप में आपको गुजरात में भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थार डिजर्ट कहाँ पे है, तो आपको राजस्थान ही मानना है, राजस्थान में जो है थार डिजर्ट का ज़्यादा विस्तार है। तो यह एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, जो इंडिया के राजस्थान राज्य में है, और यह जो है पश्चिमी किनारे पे दिखाई देता है। फिर उसके बाद थार डिजर्ट से अगर आप जो है ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको अरावली रेंज मिलेगा। अरावली रेंज जो है पूरे विश्व का या भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, या सबसे प्राचीन पर्वत या पुराना पर्वत कहा जाए तो प्राचीन या पुराना पर्वत जो है सब कौन है, अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज जो है एक प्रकार का प्राचीन या पुराना पर्वत है, जो कहाँ पे है, तो इसका विस्तार जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर से लेकर दिल्ली तक है। तो अरावली रेंज का जो विस्तार है गुजरात के अहमदाबाद शहर से दिल्ली तक है। यह वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है या प्राचीन पर्वत है। फिर उसके बाद अगर आप यहीं पे आएंगे तो गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। फिर उसके बाद अगर आप आगे आएंगे पेनिनसुलर रीजन में तो आपको विंध्या रेंज मिलेगा। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से नदी बहती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी जो है जब विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से बहती है तो यहीं पे यह घाटी का निर्माण करती है, एक वैली का निर्माण करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी के जो है उत्तर में कौन सा रेंज है, तो विंध्यन रेंज है। नर्मदा नदी के साउथ में कौन सा रेंज है, सतपुरा रेंज है। तो सतपुरा और विंध्यन रेंज के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी वह अरेबियन खाड़ी में या गुल्फ ऑफ जो है खंभात में या अरेबियन सी में गिरती है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो जो नर्मदा नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि सेंचुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण का मतलब यह है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वह अत्यधिक तीक्ष्ण है, वहाँ का स्लोप जो है सर्वाधिक है। तो स्लोप अधिक होने के कारण नर्मदा नदी के द्वारा जो सेडिमेंट लाए जाते हैं, जो छोटे छोटे अपरदन के कण लाए जाते हैं, वह अपरदन के कण वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाते, इकट्ठा नहीं हो पाते, वह सीधे जो है अरब सागर में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता, एस्चुरी का निर्माण होता है। जबकि जो पूर्वी घाट की नदियाँ होती हैं या जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, वह बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो अधिकतर नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब यह है कि नदियाँ जब ऊंचे क्षेत्र से निकलती हैं तो बहाव अधिक होता है, स्लोप अधिक होता है। स्लोप अधिक होने के कारण वह अपने साथ बहुत सारे जो है अपरदन के साथ सेडिमेंट के कण लेके आती हैं और साधुओं को लेके आती हैं। और जब मैदानी क्षेत्र में स्लोप कम होता है, ढलान कम होता है, तो ढलान जब कम होगा तो वह वैसे जो है डिपॉजिट को, अवसादों को वैसे क्षेत्र में इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और इकट्ठा करना शुरू करती है तो वहाँ पे जो है नदी की धाराएं अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। अलग अलग दिशाओं में बटने के कारण यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको डेल्टा का निर्माण होगा। ये डेल्टा का रीजन है, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा का रीजन। और यहीं पे आपको सुंदरवन डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र आपको जो है दिखाई देगा, जो गंगा नदी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है वह जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अगर आप आएंगे तो डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जा रहा है, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे विंध्यन रेंज से, नर्मदा से होते हुए सतपुरा रेंज से आप आएंगे तो आपको गोदावरी नदी यहीं पे दिखाई देगी। गोदावरी से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए वेस्टर्न घाट का रीजन है। और वेस्टर्न घाट के रीजन मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट में जो है तीन प्रकार से उसको बांटा गया है। सबसे जो उत्तरी पार्ट है उसको जो है कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण तट का विस्तार जो है दमन से लेकर गोवा तक, फिर उसके बाद गोवा से लेकर मैंगलोर तक, कन्नड़ तट,
और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको जो है मालाबार तट जो है दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप ईस्टर्न रीजन में आएंगे या ईस्टर्न घाट में आएंगे तो ईस्टर्न घाट में आपको जो है यहाँ पे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट से आप आगे बढ़ेंगे तो आंध्रा तट, आंध्रा तट से आगे बढ़ेंगे तो उत्कल तट, ये सारे तट आपको क्या होते हैं दिखाई देते हैं। फिर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है डेक्कन प्लेटू दिखाई देगा और यहाँ पे माउंटेन डोडा बेटा, अन्नामुडी, अन्नामलाई, कार्डमम पर्वत, ये सारे पर्वत जो है आपको साउथ के रीजन में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने वर्ल्ड के माउंटेन, वर्ल्ड के डिजर्ट और वर्ल्ड के संबंधित जो इम्पोर्टेंट लोकेशन थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग का क्लास यहीं तक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो आज हम लोगों ने जो है इस टॉपिक को क्या किया, देखा, जिसके अंतर्गत डिजर्ट के बारे में, पीक के बारे में और वर्ल्ड के फोल्डेड और यंग माउंटेन के बारे में डिस्कशन किया। धन्यवाद, थैंक यू।